टॉपिक में हम ISSN के बारे में पढ़ेंगे। ISSN इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरीज नंबर। ठीक, ये कब डेवलप हुआ? 1970s में। किस लिए डेवलप हुआ? ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए सीरियल पब्लिकेशन को जो इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश होती है। जो भी पब्लिकेशन इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी सीरियल पब्लिकेशन इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ISSN नंबर देते हैं, याद रखना। क्योंकि हमें अब इन पब्लिकेशन को हम क्यों ISSN नंबर देते हैं? क्योंकि हमारे पास वास्ट अमाउंट ऑफ सीरियल पब्लिकेशन है जो दुनिया भर में पब्लिश होती है। तो इस पब्लिकेशन को कंट्रोल करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ISSN नंबर इसको देते हैं, यह आप याद रखना। अच्छा, ये ISSN नेटवर्क जो होता है ये कोऑर्डिनेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। ISSN नेटवर्क कोऑर्डिनेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को। किस एडमिनिस्ट्रेशन को ये कोऑर्डिनेट करता है? इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को। और ये ISSN किसके अंडर आता है? ये यूनेस्को और यूनिसेस्ट प्रोग्राम के अंडर आता है। नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन आती है इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये आता है यूनेस्को और यूनिसेस्ट के अंदर। ठीक, अब ये जो ISSN है ये US स्टैंडर्ड, इसको हम US स्टैंडर्ड ANSI और NISO Z39.9 भी कहते हैं, याद रखना। ISSN को हम ANSI या NISO Z39.9 भी कहते हैं, और इसको हम ISO 3297 भी कहते हैं, ये अब याद रखना। इसको हम ये भी कहते हैं और ये भी कहते हैं, दोनों को याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ISSN एक US स्टैंडर्ड है, इसको हम ANSI या NISO Z39.9 भी कहते हैं, और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसको रिसेंटली अपडेट किया गया ISO 2397। ठीक, अब इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे आगे। ये जो 2007 ISSN स्टैंडर्ड हैं, इसको 2007 में ISSN स्टैंडर्ड को 2007 में लीक ऐड किया गया। लीक ISSN स्टैंडर्ड को 2007 में लीक ऐड किया गया और ये बन गया ISSN-L। क्या बन गया? ISSN-L। अब ये ISSN-L करता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है? अगर हमारे पास एक पब्लिकेशन है, इस पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन पब्लिश हुई, ये पब्लिकेशन पब्लिश हुई वेरियस मीडियाज़ के थ्रू, बहुत सारे मीडियाज़ के थ्रू, ये ISSN-L क्या करता है? इन मीडियाज़ को जिन्होंने एक सेम पब्लिकेशन को पब्लिश किया, इन मीडियाज़ को एक ग्रुप में रखा जाता है, ग्रुपिंग करता है। ये ISSN-L इन मीडियाज़ की ग्रुपिंग करता है और जो एक कंटेंट ये मीडिया देता है उस कंटेंट को मैनेज करता है, याद रखना। तो ISSN-L का काम यही है कि ये जो भी मीडिया ये पब्लिकेशन देता है, इस मीडिया को ग्रुप किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है, और जो कंटेंट ये मीडिया प्रोवाइड करता है उस कंटेंट को मैनेज किया जाता है। ठीक, ये ISSN-L की फंक्शन होती है, ISSN-L की फंक्शन होती है। ठीक, फिर यहाँ पे आप याद रखना, ये जो NISO Z39.9 ISSN है, ये हैं क्या? ये एक वेल नोन ISSN है,
ये एक माने जान, ये एक वेल नोन ISSN है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरीज नंबर हैं। ये क्या करता है, ये जो ISSN है इसके स्ट्रक्चर को ये डिफाइन करता है, इनके ISSN नंबर जो है इसका कुछ स्ट्रक्चर होगा ना, इस स्ट्रक्चर को ये डिफाइन करता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और ये प्रेजेंट कोड करता है, ये कोड देता है, क्या देता है, कोड देता है, ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई करें, क्या करें आइडेंटिफाई, ये कोड देता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है सीरियल पब्लिकेशंस को, ये कोड देता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है सीरियल पब्लिकेशंस को। और याद रखना, ये जो कोड होता है या ISSN नंबर होता है, ये प्रिंट फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन प्रिंट फॉर्म में भी हो सकता है। दस इट सेट्स फॉर द स्टैंडर्ड, यानी कि हम नटशेल में कह सकते हैं कि ये जो ANSI और NISO Z39.9 ISSN है, ये हमें फॉर्मेट देता है किसी भी ISSN को बनाने के लिए, हम यहाँ से फॉर्मेट लेते हैं, इनके हमें फॉर्मेट देता है किसी ISSN नंबर को बनाने के लिए। ठीक, इसके बाद आ जाता है, हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था ISO 3297 ISSN है, ये डिफाइन करता, ये भी डिफाइन करता है ISSN नंबर को, जिस तरीके से NISO Z39.9 डिफाइन करता था, और ये प्रमोट करता है यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड ISSN, ये डिफाइन भी करता है और प्रमोट भी करता है, ताकि लोग इस ISSN को इस्तेमाल कर पाए। ठीक, किसके लिए, ताकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सीरियल्स की और अदर कंटिन्यूइंग प्रोसेस की, यानी कि जो भी पब्लिकेशंस होगी उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ISO 3297 ISSN बनाया गया। ये ISSN डिफाइन करता है ISSN को, इतना ही नहीं बल्कि ये प्रमोट भी करता है इस स्टैंडर्ड ISSN कोड को, ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें किसी भी सीरियल पब्लिकेशन को और अदर कंटिन्यूइंग प्रोसेस को। जल्दी से रिवाइज करेंगे, अच्छा ये ISSN की फुल फॉर्म क्या है, ISSN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, कब डेवलप हुआ, 1970s में। क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है सीरियल पब्लिकेशंस को एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक, ISSN नेटवर्क कोऑर्डिनेट करता है, क्या कोऑर्डिनेट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को ये कोऑर्डिनेट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है, एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो यूनेस्को और यूनिसेफ प्रोग्राम के अंडर आती है। ठीक, अच्छा ISSN ANSI NISO Z39.9 भी होता है, और ये ISSN ISO 3297 भी होता है, ये एक US स्टैंडर्ड है, इनके ISSN ये भी होता है और ये भी होता है। जब ये कब होता है इसको हम कब ISO 2297 कहते हैं, जब इसकी अपडेशन हुई, जब इसकी अपडेशन हुई तब हमने इसको ISO 2397 कहा, और ये NISO Z39.9 भी होता है। अच्छा ये आप याद रखना है कि 2007 में ISSN ने ISS स्टैंडर्ड ने लिंकिंग को ऐड किया और ये बन गया ISSN LL ये बन गया, और ये ISSN LL क्या करता था, ये ग्रुपिंग करता था उन मीडिया को, उस मीडिया को जो पब्लिकेशन को
पब्लिश करता था, जो किसी पब्लिकेशन को पब्लिश करता था उस मीडिया को ये, उस मीडिया की एक ग्रुपिंग करता था, और ये जो पब्लिकेशन ये मीडिया पब्लिश करता था या ये जो कंटेंट ये मीडिया पब्लिश करता था उस कंटेंट को मैनेज करता था ये ISSNL। ठीक, अच्छा ये ANSI NISO Z39.9 ISSN क्या है? ये वेल नोन ISSN है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है ये। इट डिफाइन्स द स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट्स कोड इन यूनिकली आइडेंटिफाइड फॉर्म। ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर को और कोड को प्रेजेंट करता है यूनिकली आइडेंटिफाइबल फॉर्म में टू सीरियल पब्लिकेशन। यानी कि ये डिफाइन करता है ISSN स्ट्रक्चर को, ये डिफाइन करता है और कोड को प्रेजेंट करता है यूनिकली आइडेंटिफाइड फॉर्म में, किसी भी सीरियल पब्लिकेशन के कोड को ये यूनिकली आइडेंटिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट करता है, ये आप याद रखना। अब ये प्रिंट की सूरत में भी हो सकता है, नॉन प्रिंट फॉर्मेट में भी हो सकता है। नटशेल में अगर हम कहेंगे ये क्या करता है, NISO Z39.9 क्या करता है, यह हमें फॉर्मेट देता है किसी भी ISSN नंबर का। ठीक, अब इसके बाद ISO 3297 ISSN है, ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है ISSN नंबर को और प्रमोट करता है इस ISSN नंबर, ये डिफाइन भी करता है ISSN नंबर को और प्रमोट भी ISSN नंबर को करता है। क्यों? ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए सीरियल पब्लिकेशन को और अदर कंटिन्यूइंग प्रोसेस को। ठीक,